हेलो दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में और ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है और आपके पास अभी एक दो दिन और हैं मतलब आप पार्टिसिपेट कर सकते हो अभी गिव अवे में मैं बीस बीस तारीख को मतलब थर्ड प्राइज़ का मैं अनाउंस करने वाला हूं और उसके बाद ट्वेंटी थ्री में सेकंड एंड ट्वेंटी सिक्स में थर्ड अगर आप भी पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो जो डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो दी हुई है मैंने उस पर जा के कमेंट्स कर देना क्या पता भाई कमेंट क्या पता भाई कमेंट्स पीकर आपकी कमेंट्स ही उठा ले ठीक है तो अभी चलते हैं मैं आपको क्या बताने वाला हूँ सबसे पहले तो वो सुन लीजिए मैं आज आपको बताने वाला हूँ यूट्यूब की गाइडलाइंस एंड पॉलिसीज़ के बारे में कंप्लीट मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ कि भाई क्या गाइडलाइंस हैं एंड क्या पॉलिसीज़ हैं यूट्यूब की ठीक है और बहुत सारी मतलब ये आपके साथ भी प्रॉब्लम्स आती हैं किसी की किसी के पास क्लेम आ जाता है किसी के पास कॉपीराइट स्ट्राइक्स आ जाते हैं मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो सबसे पहले आपको जब आप यूटूब पर वीडियो बनाते हैं क्योंकि कितनी सारी कमेंट्स तो कुछ इस तरह की थी उनकी बोलते हैं कि भाई हम वीडियोस अपलोड करते हैं लेकिन तुरंत डिलीट हो जाती हैं वीडियोस भी और चैनल भी डिलीट हो जाता है मतलब वीडियोस भी ऑल वीडियोस डिलीट हो जाती हैं मतलब जब हम वीडियो अपलोड करते हैं स्टार्टिंग में जब तो कोई इशू नहीं आता लेकिन आफ्टर टू एंड थ्री डेज़ के बाद हमारी वीडियोज़ को डिलीट कर दिया जाता है तो वो क्या कारण है आपका आज हम कम्युनिटी गाइडलाइंस में एंड पॉलिसीज़ में कम्प्लीट इस बारे में बताऊँगा और मैं आपको ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है कम्प्लीट भाई प्लीज़ इस वीडियो को वॉच कर लेना और आपको किस तरह का कंटेंट प्रोवाइड करवाना चाहिए अपनी ऑडियंस को आपको कंप्लीट पता चलने वाला है इस वीडियो के अंदर तो मैं आपको अपने लैपटॉप की डिस्प्ले पर लेके चलता हूँ और वहाँ पर आपको समझा देता हूँ कि भाई क्या गाइडलाइंस है और किस तरह का कॉन्टेंट हमें हाँ पब्लिश करना चाहिए और किस तरह का कॉन्टेंट हमें हाँ नहीं डालना चाहिए मैं आपको प्रॉपर दिखाने वाला हूँ एक चीज़ चीज़ो बहुत अच्छी है इसके अंदर यूट्यूब की गाइडलाइंस में मैं आपको बता दूँ आपको कहाँ से गाइडलाइंस का ये कम्युनिटी गाइडलाइंस का पेज खुलेगा वहाँ पर आप देख सकते हैं मतलब बहुत अच्छी चीज़ ये है कि वहाँ पे एक अनएजुकेटेड भी बंदा समझ सकता है कि भाई क्या गाइडलाइंस हैं क्या पॉलिसीज हैं ठीक है थीके? उसमें मतलब उन्होंने एनीमेशनस की इस तरह की क्लिप्स बनाई हुई हैं ताकि कोई भी ईजिली से समझ जाए या नहीं समझ में आ रहा मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ उसके अंदर तो चलते हैं अपनी लैपटॉप की डिस्प्ले पर और समझ लेते हैं भाई स्टेप बाय स्टेप क्या गाइडलाइंस एंड पॉलिसीज़ हैं जैसे ही आप स्टूडियो में जाते हो स्टूडियो में जाने के बाद आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे डैक्सोर्ड कंटेंट प्लेलिस्ट एनालिटिक्स एंड कमेंट्स सब टाइटल्स कॉपी राइट्स मोनिटाइजेशन कस्टमाइजेशन एंड ऑडियो लाइब्रेरी इसके अंदर आपको कहीं पॉलिसीज नहीं मिलेंगी आपको कहीं नहीं जाना आपको सीधा इस पर क्लिक करना है यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है जैसे आप ये क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ कम्युनिटी गाइडलाइंस का इस तरह से पेज ओपन होकर के आ जाएगा ठीक है जब ये पेज ओपन हो जाएगा तो आप इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कम्युनिटी गाइडलाइंस लिखी हुई हैं ठीक है सबसे पहले यहाँ पर आप स्पैम एंड डेसिपिटिव प्रैक्टिस आप देख सकते हैं उसके बाद सेंसिटिव कंटेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं फेक एंगेजमेंट और इम्प्रेशन लाइक एंड कॉन्टेंट्स एंड स्पैम डेसिपिटिव एंड प्रैक्टिस एंड स्कैम तो फेक एंगेजमेंट पर आप सबसे पहले हम क्लिक करेंगे इस एरो पर राइट क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि कुछ इस तरह का आपके पास पेज आ जाएगा कि फेक इंगेजमेंट पॉलिसी क्या है तो आप इसको कंटिन्यू पढ़ लेंगे और उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हुए हैं इसको भी आपको कम्प्लीट पढ़ लेना है अभी मैं चलता हूँ दूसरे इम्प्रेशन पे इंप्रेशंस पे जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ यहाँ पर इम्प्रेशन पॉलिसीज़ आ जाएंगी इसको भी आपको कंप्लीट पढ़ लेना है क्या है वाइब्रेट्स कम्युनिटी इट्स इट्स इम्पोर्टेंट यू अंडरस्टैंड ये मतलब आप पढ़ लेना क्योंकि मैं पढ़ूंगा तो शायद आप बोर हो जाओगे और आपकी कुछ समझ में भी नहीं आएगा उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं लिंक एंड कॉन्टेंट यहाँ पर भी आपको कुछ इस तरह की देखने को मिल जाएगा पूरी इसकी पॉलिसीज क्या हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पैम एंड डिसिपिटिव यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखा देगा कि आप किस तरह का कंटेंट आपको नहीं डालना है ठीक है आप मैं इसको प्ले कर देता हूँ और आप इसको देखना कि इन्होंने क्या बताया इसके अंदर ट्रू और फॉल्स If you fill a video's title, description, or tags with terms or names, such as the names of celebrities, that are unrelated to the video, that could result in the video being removed. The answer is true. Spam, scams, and other deceptive practices that take advantage of the YouTube community aren't allowed on YouTube. Let's take a look at a few examples. A creator uploads a video with a thumbnail showing celebrities from a popular late night TV show. The video does not contain the late night clip and instead is a screen directing viewers to another website. In another video, a comedian uploads their latest comedy routine. At the end of the video, the creator encourages fans to check out their comedy website, which is linked in the description. Do either of these videos violate our community guidelines? Yes. The first video violates our spam policy. Be sure to only share links when they're relevant to the video. Add value to viewers. And don't trick people into visiting other websites. But what about posting the same comment multiple times? Would that be okay? To learn that and more, go to the YouTube Help Center article on spam, scams, and deceptive practices. Click here or the link in the description. Thanks for watching. So, you can see here. You can see one ये सारी वीडियोज़ हैं मतलब आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं जैसा इसके अंदर कुछ हेट स्पीच के बारे में लिखा हुआ है कि आप हेट स्पीच की भी पॉलिसी है आप उसकी गाइडलाइंस के थ्रू आप अगर जो है हैड स्पीच आप करते हो तो आप ये वे वीडियोस हैं आप यहाँ पर पूरी वीडियोस देख लेना ग्यारह की ग्यारह इसके अंदर कुछ इस तरह का कंटेंट आपको नहीं देना अपने वीडियोस के अंदर जो कम्युनिटी गाइडलाइंस को वेलेंस करता हो ठीक है जिसमें कुछ गन से रिलेटेड आप नॉलेज दे रहे हो या किसको शूट कर रहे हो आप ठीक है और सेक्स रिलेटेड आपको कोई वीडियो नहीं डालनी है ना कम्युनिटी गाइडलाइंस पे ये भी रोक लगाता है ये भी आपको मतलब इसमें प्रॉब्लम आ जाएगी अगर जो आप सेक्स रिलेटेड आप इसमें वीडियो डालते हैं ठीक है तो ये भी मतलब प्रॉब्लम कर देगी तो ये मतलब पूरी गाइडलाइंस हैं तो आपको किसी का रीयूज कंटेंट नहीं यूज करना अपने वीडियोस के अंदर और आपको हेट स्पीच नहीं करनी सेक्स रिलेटेड आपको कोई वीडियोज नहीं डालनी एंड कुछ गन्स रिलेटेड आपको और कोई भी खून खराबे वाली वीडियो नहीं डालनी जिससे खून खराबा दिखता हो कि हाँ भाई इसके अंदर खून ही खून खुण है तो आपको बिल्कुल भी इस तरह के वीडियोज़ नहीं डालने क्योंकि सारी के सारी ये कम्यूनिटी को वायलेंस करती हैं बाकी आप इसको एक डीपली पढ़ोगे थोड़ा सा एंड यहाँ पर देख सकते हैं सेंसिटिव कंटेंट क्या है चाइल्ड सेफ्टी चाइल्ड सेफ्टी के ले, को लेकर के ये वीडियोस है आप देख लेना अपने यूट्यूब के अंदर जब तक आप देखोगे नहीं तो आप ही कुछ समझ में नहीं आएगा जब तक आप पढ़ोगे नहीं आपकी कुछ समझ में नहीं आएगा क्योंकि मैंने तो आपको बता दिया कि कहाँ से आपको गाइडलाइंस पढ़ने पढ़ लेनी है रूल एंड पॉलिसीज़ पढ़ लेनी है आपको मैंने आप दैट इज़ ये म, मेरा वर्क है मैंने आपको बता दिया और कहाँ कहाँ से आप देख सकते हैं क्या क्या कॉन्टेंट इसमें हमें देना चाहिए और क्या कस्टम थर्मनेल्स हैं न्यूडीज़ हैं न्यूडिटी एंड सेक्शुअल कॉन्टेंट है सुसाइड्स एंड सेल्फ इंजरी है ये आपको बिल्कुल भी नहीं डालनी सुसाइड्स रिलेटेड आपको कोई कंटेंट नहीं डालना है है ना तो आपको इस तरह का कॉन्टेंट नहीं डालना अगर जो आपको अपने चैनल को बहुत अच्छे से चलाना है बाकी इसमें और भी अवर कम्यूनिटीज़ है प्रोडक्ट फ्यूचर्स है यूथ सेटिंग्स हैं रूल्स एंड पॉलिसीज़ हैं प्रोग्राम एंड इम्पैक्ट है बाकी ये सब आप पढ़ लेना क्योंकि मैं पढ़ूंगा तो देखो दोस्तों आप इसमें कहीं ना आप स्किप करके के उसको तो कोई फ़ायदा नहीं है तो आपको ये सारी वीडियोस को देख लेना है और मैंने आपको बताया है ना आपको एक तो रूज़ कंटेंट नहीं डालना है बिल्कुल भी किसी दूसरे की वीडियो आप नहीं डालोगे ठीक है और आपको सेक्स रिलेटेड कोई वीडियोज नहीं डालनी है आपको सोसाइड से रिलेटेड आपको कोई वीडियो नहीं डालनी है एंड सेल्फ़ इंजरी से आपको रिलेटेड कोई वीडियोज़ नहीं डालनी जिसके अंदर ब्लड वगैरह दिखता हो काफ़ी खून खून दिख रहा हो क्योंकि उस तरह की भी पॉलिसीज़ को गाइडलाइन जो यूट्यूब की जो कम्युनिटी गाइडलाइंस है उसकी पॉलिसीज़ को उसको हार्म पहुँचाता है ठीक है तो ये कुछ गाइडलाइंस हैं अगर जो आपके समझ में आई हो तो अगर जो आप इनको समझोगे तो भाई आपके चैनल पे कभी भी कोई भी स्ट्राइक नहीं आएगी कोई भी कम्युनिटी स्ट्राइक नहीं आएगी कोई किसी तरह का कोई आपके पास कोई इशू नहीं होगा अगर आप गाइडलाइंस को फॉलो करते हो और वीडियो अच्छी लगी तो भाई प्लीज़ इसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना एंड आपको एक चीज़ में एक चीज़ मैं यहाँ पर और अनाउंस कर देता हूँ आपको एवरी संडे मॉर्निंग में या इवनिंग में आपको एक मोटिवेशनल आ, वीडियोस मिला करेगी आ, दस आठ से दस मिनट की जो कि मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए अगर आप देखोगे तो भाई आपके अंदर भी थोड़ा सा बूस्ट अप आएगा अगर जो आप डी मोटिवेट हो जाते हो तो मैं कम्प्लीट उसीडियो में बताऊँगा कि मेरे को किस तरह की प्रॉब्लम्स आई हैं और बाकी यूट्यूबर्स को किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं जब वो यूटूबर्स क्रिएट जब चैनल क्रिएट करते हैं और अपने चैनल की शुरुआत करते हैं और बहुत जल्दी मैं बड़े बड़े यूट्यूबर्स की केस स्टडी भी लेकर आने वाला हूँ एवरी संडे वो भी मैं उसके अंदर मतलब मोटिवेशनल्स और यूट्यूब की स्ट्रगल्स कंप्लीट मैं इसमें बताऊँगा आपको ठीक है